अब हम ऐसी पांच टिप्स के बारे में बात करूंगा इन समराइजिंग की। आपको ये पांच चीजें अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको एंग्जाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर या डिप्रेशन जैसी तकलीफ होने की संभावना काफी कम हो जाएगी। तो हम वो पांच चीज को डिस्कस करेंगे। 1, मेंटेन रेगुलरिटी। आप नींद की रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए, रात को सोने का समय, सोने की जगह फिक्स रखिए, फिक्स समय पे सोना, फिक्स समय पे उठना। अगर आप घर पे काम कर रहे हैं तो काम का समय भी फिक्स रखिए कि आप जैसे ऑफिस में जाते हैं तो ये 9 o'clock आप ऑफिस में काम शुरू करते हैं, फिर दोपहर में चाय का ब्रेक लेते हैं, लंच ब्रेक लेते हैं, फिर शाम को एक ब्रेक लेते हैं और शाम तक काम करते हैं। आप घर पे काम कर रहे हैं तो अपने ही हिसाब से कुछ भी समय पे काम कीजिए, डोंट डिस्टर्ब योर शेड्यूल। आप उस शेड्यूल को फॉलो कीजिए जो आप रूटीन शेड्यूल को फॉलो कर रहे थे। आप स्लीप के शेड्यूल को फॉलो कीजिए, आप जो रूटीन आपका स्लीप शेड्यूल है आप उसमें फॉलो कीजिए। सेकंड थिंग, अवॉइड टू मच फोकस ऑन कोरोना न्यूज। अब डेली मोबाइल पे कोरोना की बातें पढ़ रहे हैं, कोरोना की बातें फॉरवर्ड कर रहे हैं, अलग अलग ग्रुप में कोरोना से रिलेटेड न्यूज फैला रहे हैं। आप दिन में हर एक घंटे में या 2 घंटे में न्यूज में देखकर कोरोना का कितना केस बढ़े, कोरोना की कितनी डेथ हुई, ये सब क्रिकेट मैच के स्कोर की तरह आप उसको देख रहे हैं, उसे बंद कीजिए। अब दिन में 1 या 2 बार ही कोरोना से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखिए, गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइन आई है वो देखिए। अब हर घंटे या हर 2 घंटे आप कोरोना से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ढूंढना देखना बंद कर दीजिए। थर्ड, फोकस ऑन लर्निंग। आप कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए, कुछ ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कीजिए, कुछ कुकिंग में, ड्राइंग में, जो आप अपना समय नहीं होने के कारण से पहले नहीं कर पाए थे, ऐसी चीज़ें पे ध्यान दीजिए और वो करने की कोशिश कीजिए। इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आपको ये 20 दिन 30 दिन का एक छुट्टी मिली है कि जिसमें आप कुछ नया चीज़ कर सकते हैं। फोर्थ थिंग इज, आप तंबाकू, अल्कोहल या सिगरेट के जो व्यसन वाले लोग हैं उनके लिए हैं कि आप अपनी ये व्यसन छोड़ने में पूरी कोशिश कीजिए, पूरी जान लगा दीजिए। आपको ऐसे अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप कोई अभी कोई ऑफिस नहीं जाना है और आपके ऊपर कोई वर्क का प्रेशर नहीं है, तो आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए। रादर देन कि अगर मुझे सिगरेट या तंबाकू नहीं मिल रही है तो मेरा क्या होगा, वो सिगरेट ढूंढने में अपना समय व्यतीत करने के बदले सिगरेट छोड़ने की कोशिश में ये समय लगाइए। तो ये इट इज़ एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू फॉर यू कि आप ये व्यसन छोड़ पाएंगे। और फिफ्थ, आप कुछ समय रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, अगर आपका घर थोड़ा बहुत कंफर्टेबल है तो कुछ घर में हो सके ऐसी एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जिनमें थोड़ा समय व्यतीत करेंगे, में जिनकी वजह से मूड अच्छा रहता है, एंग्जाइटी और पैनिक डिसऑर्डर जैसे सिम्टम्स कम देखे जाते हैं। तो एक्सरसाइज इज़ वेरी गुड फॉर यू, मेंटेन योर स्लीप। तो ये सब कुछ पांच बड़ी बड़ी चीज़ें थी कि जिन्हें आप अगर डे टू डे लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको काफ़ी फायदा होगा और आपका जो ये लॉकडाउन या कोरोना के डर की वजह से जो मानसिक असर हुआ है वो बहुत कम होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। तो आप अपने सुझाव और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में दीजिए और आप बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप डॉक्टर आईजे रत्नानी साइकियाट्रिस्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू। जय हिंद।